नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों से। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का बयान, कहा मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं को देता हूं धन्यवाद, यह एक शानदार जीत, मैंने पहले ही कहा था कि महायुति को शानदार जीत मिलेगी। महाराष्ट्र में महायुति के आधे से ज्यादा सीटें जीतने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, उन्होंने हमारी कुछ सीटें चुरा ली, यह जनता का फैसला नहीं हो सकता। बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का रिएक्शन, कहा संजय राउत मानसिक दिवालियापन से ग्रस्त व्यक्ति, महाराष्ट्र में उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, कई बार उन्हें जोकर भी कहा जाता। कैथल में जिला परिषद की बैठक में कुर्सी न मिलने पर भाजपा विधायक सतपाल जांबा भड़के, कहा सीट नहीं थी तो बुलाया क्यों, कुर्सी पर विधायक की नेम प्लेट नहीं लगी थी, चेयरपर्सन पार्षदों की कुर्सी पर लगी थी नेम प्लेट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एनडीए की जीत पीएम नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनता की अटूट आस्था का प्रमाण। स्वरा भास्कर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए, ट्वीट कर लिखा पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती, इलेक्शन कमीशन दे जवाब। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया ट्वीट, लिखा वायनाड के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुझ पर जो भरोसा जताया उसके लिए मैं हूँ बहुत आभारी, सुनिश्चित करूंगी जिस व्यक्ति को आपने अपना प्रतिनिधि बनाया वह आपकी उम्मीदों और सपनों को समझता। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाकर पीएम मोदी के नेतृत्व और एक है तो सुरक्षित है के नारे पर जताया भरोसा, जनता ने राज्य में महायुति सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को स्वीकार किया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल के साथ साथ गिदड़वाहा सीट पर भी की जीत हासिल, गिदड़वाहा सीट पर आप उम्मीदवार हरदीप सिंह डिम्पी ने कांग्रेस के सांसद राजा वर्डिंग की पत्नी अमृता वर्डिंग को दी करारी मात। पंजाब उपचुनाव 2024 परिणाम में बरनाला सीट पर नियुक्त आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप सिंह ढिल्लों की हुई जीत, कुलदीप सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र सिंह धालीवाल को 2157 वोट के अंतर से हराया। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वॉर्ड गावस्कर ट्रॉफी पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का कहना हमें महत्वपूर्ण बढ़त मिली, जसप्रीत सिंह बुमराह की कप्तानी में भारत ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया, गेंदबाजी रही बहुत अच्छी, अगर हम करते हैं दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट जीत सकते। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।